जी बेटा आप इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उधर बैठ जाओ, इसे मेरे करीब नहीं आना, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी बेटा। बाबा जी मेरी ना, बेटा करीब करो ना इसको। मेरी अपी हैं, वो काफी 6-7 साल से बीमार, उनके रहम में रसोली हैं, तो वो उसका इलाज करवा रही थी लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद उनके अब पित्ते में पत्थरी हो गई है। उन्होंने ना आपका सुना था उसका अंजीर के साथ दाने भिगोने, पानी का भी उन्होंने काफी टाइम यूज किया, और वो यहाँ नूर से इलाज करवा रही थी, हिजामा भी करवाया, तो डॉक्टर कह रही थी शायद इनको जादू का मसला, तो वो आपसे आपको चेक करवा ले, लेकिन हम इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इसीलिए हमने दुआ की थी। ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं जी कि देखिए मालज तो मौजूद होता है, लेकिन हमने इन इलाजों को ये समझा है कि शायद ये ना बड़ा इजी होता है, तभी तो ये खाना खराब लूटते हैं कि एक ही काल में आपका काम हो जाएगा। हैं महबूब आपके कदमों में तमन्ना कैसी क्यों ना हो पूरी होगी, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी बच्चे, फिर होगा ही ना। आप ये देखें पता नहीं कब से कितने दिन बाद ये इस बच्चे को इतना बड़ा मसला, आपको बता भी नहीं हम सकते, जो बच्चा ये देखो इतना छोटा बच्चा ही है, हम वो मसला नहीं बता सकते जो इसके साथ होता है। अल्लाह माफ़ कर, देखो माँ बाप कैसे आते हैं बेचारे, तो ये आपको उनको लाना पड़ेगा। तो वैसे भी उनको बोलें ये लेती जाए ना पानी, ले तो रसोलियों का मैंने इलाज बताया ना, तो मलंगा लेनी है, फिर वो साथ जो है अपना वो जो आवकल्ला दी बताया मैंने 259 से लेकर 266 तक, वो दम करना उंगली के इशारे से,